वीडियो के टर्मिनल से बहुत लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ, तो शुरुआत उसी टॉपिक से ही करते हैं कि कांग्रेस पार्टी कैसे और क्या इंडिकेट ऐसा वो करती है कि वो चाहती है कि बीजेपी और मोदी जी ही पावर में आए एज अ प्राइम मिनिस्टर। और ये इंडिकेशन वो खुद एक्सेप्ट करके नहीं करती है, लेकिन उसकी हरकतों से जनता अपने आप समझ जाती है कि हमें समझ में आ गया है कि कांग्रेस पार्टी का मोटिव क्या है, तो हमें किसे चुनना है और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो शुरू करते हैं, वो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ कि ऐसा क्या है। आपके सामने कुछ पिक्चर्स आ रही होंगी कि एक्चुअली ये न्यूज़ आप लोगों ने पहले देख ली होगी तो पता चल चुका होगा ऑलरेडी, लेकिन इन चीज़ों को मैं ऐड कर रहा हूँ इस चीज़ में। ये सारे एक एक करके मैनिफेस्टोज हैं और मेरे दोस्त ने मुझे भेजा तो मैं भी शौक रह गया कि ये क्या कर रही है, ऐसी ऐसी पार्टी को कोई क्यों लाना चाहेगा जो पूरा रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स करती है। तो ये पूरा मुस्लिमों के लिए ये, मुस्लिमों के लिए वो, मस्जिदों के लिए ये और ये सब तमाम चीज़ें। एक भी जगह ये नहीं लिखा है गरीबों के लिए, एक भी जगह ये नहीं लिखा है कि देशवासियों के लिए, एक भी जगह ये नहीं लिखा है कि जनता के लिए। मैं और कांग्रेस पार्टी एक इंच पीछे नहीं हटते हैं। कांग्रेस पार्टी, मैं और कांग्रेस पार्टी मी सिर्फ मुस्लिम। तो या तो आप अपने आप को मुस्लिम पार्टी डिक्लेयर कर दो या मुस्लिमों का लीडर डिक्लेयर कर दो। आपको कष्ट हुआ, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये जो चीज कर रहे हो, इससे अगर मुस्लिम खुश हो भी जाता है तो सिर्फ क्योंकि मुस्लिम 14-15% होगा, और अगर 14% पूरा का पूरा 110% अगर मुस्लिम वोट दे भी देता है तो इसका मतलब जितने 80-82% हिंदू हैं वो पूरे बीजेपी को चले जाएंगे। मुझे प्रधानमंत्री बना दो तो सूरज उस साइड से उठता है, उसको इस साइड से उठा दूंगा। तो पड़ला वैसे भी बीजेपी का भारी हो गया आपकी इस गलती से। तो ये साफ साफ इंडिकेशन है कि हम मुस्लिमों का वोट ले लेते हैं, हिंदू जाके बीजेपी को कर दो और होगी पॉलिटिक्स डिवाइड एंड रूल की। सॉरी। यही एक माइलेज बीजेपी को मिल जाता है कि बीजेपी ने कभी आज तक ये नहीं कहा हिंदुओं के लिए कुछ कर देते हैं, मुस्लिमों के लिए कुछ करते हैं। वो बस चीज़ें करती रहती है, देशवासियों का नाम लेती रहती है कि पूरे देशवासियों के लिए कुछ चीज़ हो रही है। अब मेरी एक पुरानी वीडियो में आपने देखा होगा हाल ही में कि एक ड्राइवर था, मुसलमान था, उसने ये एक्सेप्ट किया कि बीजेपी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में जितनी रोडें बनी आज तक किसी सरकार में नहीं बनी थी। उसने एक्सेप्ट किया कि मैं ड्राइवर हूँ, मुझे पता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या काम हुआ है, और हर जगह पूरे यूपी में और जहाँ भी गया वो स्टेट के बाहर हर जगह काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है, और भी नए नए प्रोजेक्ट रेडी हैं रोड के बनने के लिए। तो अगर कोई आदमी ग्राउंड लेवल पे हिंदू है, मुसलमान है, वो एक्सेप्ट करता है कि काम हो रहा है बीजेपी में, तो आपकी ऐसी गंदी पॉलिटिक्स में तो आपका साथ कभी नहीं देगा। भैया मैं आरएसएस का नहीं हूँ, मैं गलतियां करता हूँ। मैं आपका नहीं हूँ, मैं सब कुछ जानता नहीं हूँ, सब कुछ समझता नहीं। अब आते हैं राहुल गांधी के लेटेस्ट, उन्हीं के क्रिएटेड वर्ड जुमले से। कहीं कहीं कहते हैं कि 72,000 पर ईयर देंगे पर 12,000 पर मंथ देंगे, पर उनकी मैथ्स कहाँ काम आती है पता नहीं। और अगर इन्होंने ये चीज़ सोची भी है तो क्या पार्टी में डिस्कशन नहीं करते हैं कि आज गाड़ी में चलते चलते ख्याल आ गया कि ये करता हूँ, मोदी ने 15 लाख वाली ट्रिक यूज़ की थी, मैं ये करता हूँ काम आ जाएगा। मैं उनको बता देना चाहता हूँ 15 लाख वाली बात को यूट्यूब पर अगर वीडियो को देखेगा तो मिल जाएगी। उन्होंने ये कहा था कि स्विस बैंक में हमारे देश का इतना काला पैसा जमा है कि अगर वो वापस आ जाता है हमारे देश में तो हर आदमी के बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए होंगे। सोचो इतना पैसा है। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है?
ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? 15 लाख रुपए होंगे। तो ये नहीं कहा था कि मैं पावर में आते ही इतने इतने पैसे दे दूंगा। दोनों शब्दों में फ़र्क है। पता नहीं किस इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत, इकोनॉमिक स्ट्रेटजी के तहत ये दिमाग लगा रहे हैं। ऐसे ही इनको कोई पप्पू नहीं कहता, और शायद यही कारण है कि उनके साथ ये पूरा महागठबंधन बिखर चुका है। अभी यूपी में बुआ बबुआ अलग हो चुके हैं, बाकी राज्यों में भी अलग हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने हाथ छोड़ दिया, या अरविंद केजरीवाल का हाथ इन्होंने छोड़ दिया। कोई किसी की कोई सहमति नहीं बन रही है। महागठबंधन कब बना, कब ख़त्म हो गया, उसका सिर्फ एक एजेंडा था, मोदी को हटाओ। और वो लोग स्टेज पर सारे भाषण मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, ये कहते थे, और कुछ नहीं, कोई डेवलपमेंट पर बात नहीं। एक बार भी ये नहीं कहा कि हम लोग आएंगे तो ये विकास करेंगे, ये डेवलपमेंट, ये सोच, कुछ नहीं। बस मोदी हटा दो, हम लोग आके क्या करेंगे, उसका कोई भरोसा नहीं। अभी रही बात रफ़ैल की, वो तो बात दब भी गई है। कांग्रेस पार्टी भी आजकल रफ़ैल का नाम नहीं लेती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि इसमें कोई भी चीज़ इन्वेस्टिगेट करने की नहीं है, हर चीज़ क्लियर है, पूरी क्लीन चिट मिल गई है। अब बात कर रहे हैं कि रिलायंस को मुकेश अरे अनिल अंबानी को इन्होंने 30,000 करोड़ दिए पॉकेट में। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि 30,000 करोड़ अगर रिलायंस को मिला है, अनिल अंबानी को मिला है, तो 450 करोड़ क्यों मुकेश अंबानी ने दिया है? उसी 30,000 करोड़ में से दे देते, अगर पूरा पॉकेट में गया है बिना किसी काम के तो दे देते। ये लोग क्यों भूल जाते हैं, डसॉल्ट और रिलायंस में जॉइंट वेंचर हुआ है, और उसके तहत कुछ पैसा इधर होना था, और वो डसॉल्ट प्रॉमिस करती है कि वो उस पैसे का कुछ परसेंट इन्वेस्ट करेगी। तो एक डीप में जाएंगे, रिसर्च करेंगे, या उन लोगों से मिलेंगे जिन दोनों के बीच में डील हुई है, तो और बातें पता चलेंगी। ये सिर्फ आँख बंद करके जो चिट ऊपर से आती है कि ये आज बोलना है हर पार्टी को, हर कांग्रेस पार्टी के मेंबर को, सिर्फ आँख बंद करके बोल देना है, उसके पीछे का लॉजिक नहीं लगाना है, और अगर कोई कुछ बोले तो डिफेंड करते रहना है राहुल गांधी को, यही काम नहीं होता, ऐसे देश नहीं चलता। और इतने नॉन सीरियस आदमी को कोई कभी लीडर नहीं चुन सकता। अगर हल्का सा भी मैच्योर पढ़ा लिखा आदमी होगा, जनरेशन इतनी आगे बढ़ चुकी है, सबके हाथ में मोबाइल है, इनकी एक एक शब्द पे पूरी रिसर्च कर सकता आदमी कि कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है। मैं गलतियां करता हूं, मैं आरएस के मैं आपका नहीं हूं, मैं सब कुछ जानता नहीं हूं, सब कुछ समझता नहीं। राहुल गांधी के सो कॉल्ड सेकुलर होने पे आपको सबूत मिल गया। सेकुलरिज्म वो होता है जो इन सब चीज़ों में भेदभाव ना करे, इंसानियत की बात करे, किसी चीज़ में फ़र्क ना समझे कि हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है। आप प्राइम मिनिस्टर अगर बनना चाहते हो तो जनता की सेवा करोगे, मुसलमान की नहीं या हिंदू की नहीं, देश की सेवा करोगे। खैर, अब तक कांग्रेस सपोर्टर्स को, बीजेपी सपोर्टर्स को, नॉर्मल पब्लिक को एक आइडिया लग गया होगा, जिसने इसने वीडियो देखी होगी, कि किसको वोट करना ज़्यादा सही है, कौन कितना सेकुलर है, कौन कितना सेकुलर होने का ढोंग करता है, कौन कौन क्या। सिर्फ मैंने राहुल गांधी की ही बात की है यहाँ पे। उनका ये एजेंडा रहता है कि पार्टी को माइलेज गेन कराने के लिए उनके मुंह से क्या निकलता है, किसके संदर्भ में निकलता है, उसका यूज़ कैसे पाकिस्तानी मीडिया करती है। अरविंद केजरीवाल के वहाँ पे टेप चलाए जाते हैं कि इन्होंने ये भाषण दिया, शशि थरूर के, राहुल गांधी के, कांग्रेस पार्टी के जीतने की कामना की जाती है पाकिस्तान में। तो जो पार्टी पाकिस्तान की इतनी फेवरेट हो सकती है, वो भारत की फेवरेट कभी नहीं हो सकती। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन नए वोटर्स से कि ज़रा सोच समझ के, ध्यान से, काबिलियत देख के। काबिलियत देखने का बहुत आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है, आपके हाथ में गूगल है, सबका ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, सबकी सिंसियरिटी, मैच्योरिटी, स्पीच देने की सिंसियरिटी, शब्दों का चुनाव, एक एक चीज़ देख लो, और ट्रैक रिकॉर्ड तो आपके पास है। 5 साल अभी रिसेंट में बहुत विवादों में रहा है, क्योंकि बहुत लोगों ने उछाला गलत तरीके से, और 70 साल के वो कब आए, कब चले गए, कितना घोटाला के, सिर्फ उनके घोटाले ही विवादों में रहे हैं, उनका कोई काम नहीं। उनके काम को क्या कोई क्रिटिसाइज़ करेगा, उनको काम करना पड़ेगा उसके लिए ना, क्रिटिसाइज़ होने के लिए। तो खैर, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना अगर अब तक किसी ने ना किया हो तो, और कुछ सवाल और सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हो। मैं बायस नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि आज की डेट में मोदी के अलावा कोई बेटर चॉइस अपने पास नहीं है।
कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन कहें जो कि टूट चुका है, उसके पास खुद कोई कैंडिडेट नहीं है। वो लोग खुद आपस में पीएम की कैंडिडेट लिस्ट में आने के लिए लड़ाई करके खुद अलग हो चुके हैं। आज की डेट में टूट गया है। केजरीवाल को भी बनना था, अखिलेश को भी बनना था, मायावती, राहुल, इन सबको बनना था पीएम, और दीदी बंगाल वाली वो भी थी लाइन में। इस चक्कर में ख़त्म महागठबंधन। तो अपने पास कौन है वो जो काम करता है एक्चुअली में, और इसका ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए ना, पूरे देश में शासन करने का, सर्व करने का होना चाहिए। तो आपके पास दो ही लोगों का है, राहुल मोदी। राहुल का आप किसी को पसंद नहीं आया, सब घोटालों से भरा था। मोदी का काम आप देख ही रहे हैं, वो जनता जज कर ले। तो कुछ भी ऐसा हो बता सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।